सवाल ये था शेख कि जैसे एक ऐसे कभी कभी क्या होता है कि दिमाग में ना बहुत खराब खराब ऐसे ख्यालात आते हैं, वसवसे आते हैं, बहुत का जरूरत पे है कि बस मुझे वो सबसे जो बंद तो छोटा सा पलाश आवाज आपकी बहुत बहुत खराब कट रही है खराब इब्राहिम भाई, अब्रहमान भाई, आपका आधा सवाल समझ में आया, आधा सवाल समझ हाँ में नहीं आ रहा है। हाँ, वसवसे आते हैं, ख्यालात आते हैं, उसके बाद क्या बोला आपने? हाँ कि वसवसे आते हैं बहुत खराब खराब, मतलब खासकर बेहयाई के हाँ और समझे। मतलब न्यूडिटी वगैरह के, तो शेख उसके लिए पहली चीज क्या, उसके लिए पकड़ होगी और दूसरी चीज से छुटकारा कैसे पाया जाए शेख, बहुत खराब खराब ख्याल आता था दिमाग में, खासकर गंदगी वाले। देखिए, जजाकल्लाह। पहली बात तो एक हदीस आप सुनिए, अल्लाह के नबी की एक हदीस है कि इन्नल्लाह तजावज़ा अन उम्मती मा हद्दसत बिही अनफुसुहा मा लम तामल औ ततकल्लम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत पर ये एक एहसान किया है कि इस उम्मत के लोग अपने दिल में जो सोचते हैं उस पर अल्लाह ताला उस वक्त तक मुआखजा नहीं करेगा जब तक उस पर उसको बोल ना दे या उस पर अमल ना कर ले। जो बात कोई बुरा ख्याल आपके दिल में आया, जब तक आप उस पर अमल नहीं करोगे तब तक उस पर आपको गुनाह नहीं मिलेगा। कोई बुरा ख्याल आया, बोलने से मुताल्लिक कोई बुरा ख्याल, जब तक वो बुरी चीज आप बोल नहीं दोगे तब तक उस पर आपको गुनाह नहीं मिलेगा। जी तो ये सबसे पहली बात, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल है कि जो है हमारे दिलों में जो वसवसे बुरे ख्याल आते हैं उस पर हमारा मुआखजा नहीं होगा जब तक हम अमल दरामद ना कर दें। जी एक बात यहां पर दूसरे पॉइंट पर आने से पहले मैं बयान कर दूं कि जी बाज लोग ये समझते हैं, बाज लोग इस हदीस का मतलब बयान करते हुए मैंने बाज लोगों को सुना, वो ये कहते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर आपके दिल में ख्याल आया कि मैं फला को गाली दे दूं, ठीक है, उसके बाद आपने गाली तो नहीं दिया लेकिन आपने किसी से बयान किया कि यार मेरे दिल में ख्याल आया था कि मैं इसको गाली दे दूं, तो इस पर आपको, आपने चूंकि बोल दिया तो आपको गुनाह मिलेगा। इस हदीस का ये मतलब नहीं है। देखिए आमाल जो है कुछ आमाल आजा और जवारे से किए जाते हैं, हाथ पांव से किए जाते हैं, कुछ आमाल ऐसे हैं जो जबान से किए जाते हैं, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो आप हाथ पांव से करते हैं, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो आप जबान से बोल करके करते हैं। जैसे किसी को गाली देना ये जबान से बोल करके करने वाला गुनाह है, तो इस हदीस का मतलब जी ये है कि वो बुरे आमाल, वो गुनाह वाले आमाल जिनका ताल्लुक जबान से बोलने से है, अगर उनका ख्याल आपके दिल में आया और आपने बोल करके वो गुनाह नहीं किया तब तक आपको गुनाह नहीं मिलेगा। फकत ये बताने से कि मेरे दिल में ख्याल आया था, इसको बोलना नहीं कहते हैं या इसको गुनाह जी करना नहीं कहते हैं। जब वो गुनाह आप जबान से कर देंगे तब उसका गुनाह आपको मिलेगा। तो जो है अगर लोगों ने वो वीडियो मैंने देखा, बहुत ज्यादा वायरल था और इस तरह तशरीह की जा रही थी, इसलिए मैंने इसकी वजाहत जरूरी समझा। जी दूसरी बात ये कि ये जो वसवसे आते हैं शैतान की तरफ से होते हैं, तो इसमें सबसे पहली चीज तो ये कि हमें अल्लाह ताला से पनाह मांगना चाहिए, इस तरह की चीजों से ज्यादा इस्तेआज़ा पढ़ना चाहिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सुबह शाम के जो अज़कार हैं उनमें जगह जगह पर इस्तेआज़ा है, अल्लाह की पनाह तलब करता है आदमी, तो उन तमाम चीजों की पाबंदी करनी चाहिए, पनाह मांगनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जब ख्याल आए तो उस ख्याल के साथ बह नहीं जाना है हमको, उसको दिमाग से झटकना है, क्योंकि हमारे ऊपर जो वाजिब है यही वाजिब है कि ख्याल जी आया तो उस ख्याल के पीछे नहीं जाना है, उस ख्याल से अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है, यही हमारे ऊपर वाजिब है। अगर ये काम आप कर रहे हैं तो इंशाल्लाह इस पर आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा।